मुदित गर्ग ने सवाल भेजा है, 500 शेयर इनके पास एलगी इक्विपमेंट के हैं 420 के प्राइस के, दिखाई जरा एक बार चार्ट। और सवाल इनका ये है कि शुड आई बुक लॉस और एवरेज इट फॉर शॉर्ट टर्म। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, फिर एवरेज भी करना चाहते हैं, या लॉस बुक करें। एलगी इक्विपमेंट 406 पे है, उन्होंने 420 पे खरीदा है। देखिए, ऐसा प्रिंसिपल मेरा मेरे हमारे जो स्टॉप लॉसेज होते हैं तो हम लोग तुरंत एग्जिट करवाते हैं कि एक बार आपका जो नजरिया है वो अगर सही नहीं हुआ तो फिर अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया तो आपको बिल्कुल एग्जिट ही करना चाहिए। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है मैं इनको सलाह दूंगा आप एग्जिट कीजिए। अगर इनका नजरिया मीडियम टर्म का है मैं कहूंगा एवरेज मत कीजिए, लेकिन आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भी 55 वीकली एवरेज 395 की है। यहाँ पे अगर एक दो दिन की क्लोज इसके नीचे अगर आती है तो आप एग्जिट कीजिए, अदरवाइज एक बाउंस पर देखने मिल सकता है, वहां पर आप रिव्यू कीजिए। ओके, अरशद रहमान फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरशद बताइए क्या सवाल है। सर, बीएफ यूटी लिया है 1,000 शेयर 500 रुपए से, और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, बट इसके लिए रोकें या क्या करें सर, बताइए जरा। क्या आपने कुछ खबर के आधार पे लिया था या ऐसे ही किसी सजेशन पे? सर, शुरुआत में अभी इतना मालूम नहीं था इसलिए ले लिया था। उस समय चला भी था, 535-40 गया था लगभग। अच्छा, जी, नहीं बड़ा एक है साल तो हो चुके हैं लगभग रोके हुए, 1 साल सवा साल। क्योंकि बीएफ यूटिलिटीज जैसे शेयर मतलब बहुत कॉमनली नहीं लोग करते, लेकिन आपने लिया उस समय और बीएफ यूटिलिटीज लिया, ये इंटरेस्टिंग है। गौरव, अच्छा इनकी मदद करे जाए, 500 के भाव पे इन्होंने ले रखे हैं बीएफ यूटिलिटीज, 415 पे अभी ट्रेड कर रहा है। रुकेंगे रुकेंगे ना अर्षद आप? जी, 1-1.5 साल और रुक सकते हैं। 1-1.5 साल और रुकेंगे तो होगा फायदा इसमें? फायदा होने की संभावना तो है। देखिए, यहाँ पे एक क्लासिक केस है जहाँ पे ट्रेंड विद इन ट्रेंड हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होते एक बार कंफर्म हो चुका है। टाइम करेक्शन अभी यहाँ पे लग रहा है, प्राइस करेक्शन जो बहुत बड़ा यहाँ पे फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ब्रेकआउट जो है वो आपको 485 के ऊपर एक बार वीकली क्लोज आ गया, उसके बाद में आपको देखने मिलेंगे। और एक बार 485 के ऊपर वीकली क्लोज आ गया तो काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, 25-30% की भी। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए, टाइम करेक्शन होगा। ब्रेकआउट कब आएंगे बोलना मुश्किल है, कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना वो बोलना मुश्किल है, बट स्ट्रक्चर फिलहाल वीक नहीं लग रहा है। तो भाई अर्षद, इसमें रुके रहिए आप, स्ट्रक्चर ठीक है, ट्रेंड विद इन ट्रेंड बन रहा है इसमें, तो वेट करिए, फायदा हो सकता है इसमें। एक्चुअली बीएफ यूटिलिटीज़ ना बहुत बहुत तेज़ी से कभी कभी चलता है और फिर रुक जाता है, फिर तो जब अब की बार मान लीजिए तेज़ी से चले और आपके भाव से ऊपर निकल जाए तो मुनाफा वसूल कर लीजिएगा, फिर वेट मत करिएगा, अच्छा अभी और चलेगा वैसा मत करिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।